Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Yasir Yameen and I welcome you all in this session. मेरे दोस्तों, अगर आप ये सेशन ले रहे हैं तो इसका मतलब आप इस बार तो कम से कम तैयार हैं इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर को पास करने के लिए। देखिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपके ओवरऑल स्किल्स लेवल्स के पेपर के अंदर एक बहुत ही अच्छा पेपर है, यानी ये वो एक स्टेपिंग स्टोन है जो कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी के करीब करीब लेके जाता है। इस सेशन के अंदर आप मेरे साथ देखेंगे कि किस तरीके से इस पेपर को कवर करना है, किस तरीके से आपने इस पेपर को लेके चलना है। मैं बड़ी टारगेटेड अप्रोच आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस टारगेटेड अप्रोच के तहत मुझे ये लगता है कि आप एक ऑप्टिमम रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि जब आप कोई चैलेंज बैच के अंदर आते हैं, जब आप क्रैश बैच के अंदर आते हैं, तो उस वक्त आपका जो असल टारगेट होता है, वो असल टारगेट ये होता है कि आपने एग्जाम को किस तरीके से कवर करना है। तो हमारी जो सारी अप्रोच चलेगी वो एग्जाम ओरिएंटेड चलेगी। मैं जो सारी आपसे बात करूंगा वो फैक्ट बेस्ड बात करूंगा, मैं स्टोरी इसका कायल नहीं होऊंगा। मैं आपको कोई ऐसी उम्मीद नहीं दिखाऊंगा जो कि अचीवेबल ना हो। मैं आपको अचीवेबल तरीके से इंशाल्लाह ताला लेके चलूंगा एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऑलराइट, सो बिफोर आई इवन बिगिन वर्किंग ऑन द प्लानर, हम सबसे पहले बात करते हैं मेरी। बहुत सारे लोग शायद मुझे जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग शायद मुझे नहीं भी जानते होंगे। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं उनके लिए अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा परिचय करा दूं। मेरा नाम यासिर यामीन है। मैं बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफाई की है ICAW से। इसके अलावा मैं फेलो चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट हूं, यानी ACCA का फेलो मेंबर हूं। फेलो मेंबर होने का मतलब ही ये होता है कि तजुर्बे के लिहाज से काफ़ी सीनियर हो गया हूं शायद। इसके अलावा मैं चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हूं ICMA पाकिस्तान से। इसके अलावा दीगर क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे BSc ऑनर्स हो गया या कुछ और सर्टिफिकेशंस हो गई, लेकिन फिलहाल आपके लिए काम की बात यह है कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़ने जा रहे हैं। मैं वैसे बात करूं तो तकरीबन 12 साल से ये पेपर्स ACCA के एग्जामिनेशंस में पढ़ा रहा हूं। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर फिजिकल, ऑनलाइन सब कुछ टीच किया हुआ है। वैसे अगर मेरी बात करें तो मेरा ज्यादातर वक्त जो लगता है वो प्रोफेशन को सर्व करने के अंदर ज्यादातर वक्त लगता है। मैंने अपना अर्ली करियर स्टार्ट किया था एज एन ऑडिटर। ऑडिट करने के बाद मैं इंडस्ट्री गया। इंडस्ट्री के अंदर मैंने एक टेक्सटाइल कंपनी के साथ कपल ऑफ ईयर्स काम किया, जहां पे अल्लाह का बहुत करम है कि मैंने बहुत सारे ऐसे एक्शंस लिए, बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि मेरी और उस इदारे की ग्रोथ के अंदर बहुत करामत साबित रहे। शायद उसी इदारे के साथ मैंने 2016 के अंदर नेशनल फाइनेंस ओलंपियाड की चैंपियनशिप जीती थी, जो कि ICAP इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान कंडक्ट करता है। इट इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। By the grace of God, I was able to compete in that particular, समझ लें आप, Olympic session of Pakistan, and I was the winner out of it. इसके अलावा मैंने पिछले 7 साल से तकरीबन मैं एक multinational corporation के साथ काम कर रहा हूँ। Relatively अभी एक senior position के ऊपर हूँ, तो जो मेरा exposure है वो मेरा exposure इस subject को बिल्कुल अच्छे तरीके से complement करता है। मैंने इतने अरसे के अंदर जो सीखा, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि वो अपनी सारी सीख अपने आने वालों के अंदर थोड़ा सा ट्रांसफर कर दूं। मेरा असल कोर ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के पीछे भी यही है कि एक तो अपने पैशन से पढ़ाते हैं और उसके साथ साथ आप लोगों को तैयार करना चाहते हैं रियल वर्ल्ड के लिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपने पढ़ाने के अंदर रियल वर्ल्ड से थोड़ा सा दूर रहूं। एक होती है ना रियल वर्ल्ड, एक फिल्मी दुनिया है, एक होती है रियल वर्ल्ड जिसके अंदर आपको क्लास के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें बताई जाती हैं, ऐसी ऐसी बहुत सारी फहमे गोइयां आपके सामने रख दी जाती हैं जिसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं अपने पढ़ाते वक्त पूरी कोशिश ये करता हूं कि आपको रियल वर्ल्ड का पिक्चर देते रहूं, ताकि ना सिर्फ कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, एग्जाम तो अल्लाह ने चाहा तो आप इंशाल्लाह ताला विद कमिटमेंट विद परसिवरेंस आप वैसे ही क्वालिफाई हो जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो आप इतने काबिल हैं कि इंशाल्लाह ताला आगे खुद ही निकल जाएंगे। शायद उसके अंदर मेरा रोल कुछ सब्जेक्ट्स की हद तक हो, उससे ज्यादा ना हो, लेकिन मेरा जो असल गोल है आप लोगों को पढ़ाने के पीछे या आप लोगों को या प्रोफेशन को सर्व करने के पीछे, वो मैं आपको तैयार करना चाहता हूं रियल वर्ल्ड के लिए। तो रियल वर्ल्ड के लिए जब आपको तैयार करना होता है तो उसके अंदर बेशक आपको टारगेटेड चीजें बताई जाए, इस 30-day चैलेंज के अंदर आपको टारगेटेड अप्रोच दी जाए, लेकिन इस टारगेटेड अप्रोच के अंदर भी जो फ्लेवर दिया जाएगा वो आपको रियल लाइफ का फ्लेवर दिया जाएगा। रियल लाइफ का फ्लेवर देने से मुझे ये लगता है कि मेरा असल टारगेट ये
अचीव होगा कि अगर आज से 10 साल बाद जाके आप प्रोफेशन के अंदर हुए और उस प्रोफेशन के अंदर रहते हुए आपने मेरा कभी नाम ले लिया, या आपने अपने दिल में भी कम से कम ये सोच लिया कि यार चलो कम से कम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमने किसी प्रोफेशनल से पढ़ा था, एग्जाम के अंदर तो चलो जो फायदा हुआ तो हुआ, लेकिन असल में हमें रियल लाइफ के अंदर एक किक अच्छी मिल गई, एक स्टार्ट अच्छा मिल गया, एक कॉन्सेप्ट अच्छा मिल गया, अगर आपने दिल में भी ऐसी बात सोच ली तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत रायगा नहीं गई, मेरी मेहनत सफल हो गई, मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। आई एम मोर फोकस्ड ऑन द आफ्टर लाइफ, आई एम मोर फोकस्ड ऑन व्हाट यू विल डू वंस यू कम इनटू द प्रोफेशन। तो अगेन एज आई अर्लियर सेड, रियल लाइफ से दूर जाके रियल लाइफ के करीब लाने की कोशिश करूंगा। अब क्योंकि रियल लाइफ के करीब लाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर बातें प्रैक्टिकल हो जाती हैं, प्रैक्टिकल का मतलब उसमें कहानी कम फैक्ट ज्यादा करने की कोशिश करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, जो परफेक्ट क्लेम करता है वो सबसे बड़ा इम्परफेक्शनिज्म का सिंबल होता है और जो है वो सबसे ज्यादा आपको चीजें फेंक रहा होता है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि बेशक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और कहीं कहीं कभी कोई गलती कोताही हो जाए तो उसके लिए पहले से आप लोगों से थोड़ी सी माफी मांग लेते हैं। क्लियर? तो बात को स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया और अब मैं आपको लेके चलूंगा वेरी मच फोकस्ड ऑन द 30-day प्लान ऑन विच आई प्रपोज के दैट यू कैन डू दिस एग्जाम बाय गोइंग थ्रू द 30-day प्लानर। सबसे पहले जब हम FR की ओरिएंटेशन की बात स्टार्ट करते हैं तो मैं सबसे पहले आपको ये बात रिमाइंड कराना चाहूंगा कि आपका पेपर का फॉर्मेट क्या है। देखिए, अगर आप 30-day चैलेंज के अंदर आ रहे हैं तो मोस्ट लाइकली, ये मेरी प्रिजम्पशन है, इसके अंदर कोई ठोस सबूत तो मेरे पास नहीं है लेकिन प्रिजम्पशन यही है कि या तो आपने ये पेपर पहले पढ़ा हुआ है या तो आप किसी ऐसी क्वालिफिकेशन से जंप करके इधर आए हैं कि आपने पहले से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट कहीं ना कहीं किसी और क्वालिफिकेशन के अंदर पढ़ा हुआ है। जैसे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के आईकैप के लोग मुझसे आके अल्टीमेटली पढ़ रहे होते हैं तो उन्होंने एक ब्रीफ बैकग्राउंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर ऑलरेडी लिया हुआ होता है। तो मेरी प्रिजम्पशन ये है कि या तो आपने पहले से पेपर पढ़ा हुआ है या तो मिसाल के तौर पे आप किसी और क्वालिफिकेशन से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं या फिर आप ऐसे हैं जिसको खुदा ना खास्ता आप एक रीटेक स्टूडेंट हैं, आपने पहले अटेम्प्ट किया था लेकिन आपका पेपर सही तरीके से पास नहीं हो पाया एंड दिस टाइम यू आर वेरी मच डिटरमिंड कि यार कुछ भी करो ये पेपर निकालना है क्योंकि अल्टीमेटली पेपर निकालोगे, आगे बढ़ोगे, ACCA को क्वालिफाई करोगे, तो क्वालिफाई होने के बाद असल जिंदगी नहीं स्टार्ट होना है। अभी तो सिर्फ हवाई बातें हैं ना, असल तो तब बात स्टार्ट होगी जब तुम अल्टीमेटली क्वालिफाई कर जाओगे। तो विद दिस प्रिजम्पशन मैं आपको सबसे पहले आपका दोबारा से माइंड लेकर आना चाहूंगा इस बात के ऊपर कि देखें, प्लान करने से पहले जरा ये समझें कि आपका टारगेट अल्टीमेटली है क्या, आपको दिखेगा क्या आगे चल के। आपका जब एग्जामिनेशन आपके सामने आएगा तो आपके एग्जामिनेशन में टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, एक सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन बी होता है और एक सेक्शन सी होता है। तो 3 सेक्शंस विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा, सारे के सारे सेक्शंस के अंदर बच्चे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं, यानी आपके पास चॉइस कुछ भी नहीं है, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। और मेरी इतने सालों की असेसमेंट के अंदर ये मुझे नजर आता है कि अगर कोई स्टूडेंट पूरे 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर लेता है ना, तो अंटिल एंड अनलेस के वो स्टूडेंट बहुत ही कोई बड़ा चवल हो, मतलब सॉरी लेकिन आप समझ गए ना, आप बहुत ही बड़े चवल हो, तो फिर तो ऐसा हो सकता है कि आप 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करें और फिर पेपर पास ना करें। अगर आपने 100 मार्क का पेपर वैसे ही अटेम्प्ट कर लिया ना तो मुझे लगता है कि आपके पासिंग चांसेस ऑलमोस्ट सर्टेन होते हैं कि आपने पेपर निकालना है। सही है ना? तो इवन 80-90 मार्क्स का पेपर भी जो अटेम्प्ट करते हैं वो लोग भी पेपर निकाल ही लेते हैं, लेकिन अगर 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर लिया तो भैया फिर तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो गेम हो ही जाएगा। क्योंकि ये कहते हुए मेरी प्रिजम्पशन ये है कि आप कितने गलत हो सकते हैं जिंदगी में। भाई हर कोई इंसान 5-10% तो गलत होता ही होता है। अगर आपके सामने, मैं फिर बोलता हूँ, अगर आपके सामने कोई क्लेम करे ना कि यार मेरे से तो कभी कोई गलती होती नहीं है, मेरे सामने बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि कहते हैं यार हम किंग ऑफ फाइनेंशियल, किंग ऑफ अकाउंटेंसी है, हम किंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ये सब बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी ये कहावत है ना, मैं जितना पढ़ता गया या शायद मैं जितना सीखता गया उतने मुझे पता लगता गया कि मैं कितना ला इल्म हूं। तो ये जो अकाउंटेंसी का प्रोफेशन है ये किसी पेपर का मोहताज नहीं है, ये किसी एक सब्जेक्ट का, ये इवन किसी एक स्टैंडर्ड का मोहताज भी नहीं है। जब आप रियल लाइफ में इंशाल्लाह ताला जाके काम करेंगे तो आपको एहसास ये होगा कि यार
बहुत है दुनिया आगे, यानी कितनी दुनिया में तो ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बना हुआ नहीं होता। अब जिस चीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही ना बना हुआ हो, वो तो आपकी और मेरी सोच से भी बाहर है ना। और तभी तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इवॉल्व होते रहते हैं, तभी तो आप देखते हैं कि वक्तन फवक्तन नई नई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नई नई प्रैक्टिसेस डेवलप होती रहती हैं। जो चीज मैंने अपने 12 साल पहले या 13 साल पहले पढ़ी थी, वो अब 12 13 साल बाद एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मतलब विद टाइम चीजें इवॉल्व होती हैं, यानी इसका मतलब नथिंग इज कंप्लीट। तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एज वेल। आपने 100 मार्क अटेम्प्ट करने, 50% गलत तो नहीं हो सकते, यानी मोर देन 50% गलत होना तो नामुमकिन बात है मेरे हिसाब से। तो आप अगर 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, मैं कहता हूं कि यार वर्स्ट कम वर्स्ट आप सोचें, आप 20% गलत होंगे, 30% गलत होंगे, 40% गलत होंगे, यानी आप 50% से ऊपर गलत तो नहीं हो सकते ना। अगर आपने प्रिपेयर अच्छा किया हुआ है तो आई थिंक इट इज अनलाइकली, राइट। आपके पूरे पेपर के अंदर तीन सेक्शंस हैं, तीनों सेक्शंस के अंदर सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। पहला सेक्शन होगा 30 मार्क का, जिसके अंदर आपके पास आएंगे 15 एमसीक्यूज और हर एमसीक्यू होगा 2 मार्क्स का। तो 15 एमसीक्यूज 2 मार्क्स ईच, इसका मतलब टोटल हो गए 30 मार्क्स। ये बात याद रखिएगा कि ये 15 एमसीक्यूज आपके टोटल कोर्स के किसी भी एरिया से आ सकते हैं, फ्रॉम एनी एरिया ऑफ सिलेबस, फ्रॉम एनी एरिया ऑफ सिलेबस, राइट। तो टेक्निकली यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कोर्स। एक छोटी सी छोटी बात को कवर करना पड़ता है, मेक श्योर करने के लिए कि उन 15 एमसीक्यूज में कुछ भी आ जाए, आप उसको आप एबल हो कि आप उस चीज को रिजॉल्व कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास सेक्शन बी के अंदर आते हैं फर्दर 30 मार्क्स, और ये 30 मार्क्स जो आपके पास आएंगे, इसके अंदर आपके पास टेक्निकली एमसीक्यूज तो नहीं, आपके पास आएंगे 3 एमटीक्यूज या ओटीक्यूज। अच्छा, एमटीक्यूज और एमसीक्यूज में एक सिंपल फर्क ये है कि एमसीक्यूज तो 3-4 लाइनों का होता है, उससे निकल कर आ जाते हैं आपके पास एमसीक्यूज जिसमें ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकता है, मैचिंग भी हो सकता है, यू नो फिल इन द ब्लैंक टाइम भी हो सकता है, और लिटरली एमसीक्यूज भी हो सकते हैं जिसके अंदर मल्टीपल चॉइसेस आपके पास होंगे और आपने किसी एक या दो को जाके टिक करना होगा। जब आप एमटीक्यूज के अंदर आते हैं तो एमटीक्यूज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम एमसीक्यूज इस तरीके से हो जाते हैं कि यहां पे आपके पास आती है एक शॉर्ट केस स्टडी, राइट। सो ऑलवेज यू विल हैव अ शॉर्ट केस स्टडी इन फ्रंट ऑफ यू, और उस शॉर्ट केस स्टडी को बेस बना के, उस शॉर्ट केस स्टडी को बेस बना के हर एक एमटीक्यू के अंदर निकलेंगे 5 एमसीक्यूज, और ये जो 5 एमसीक्यूज होंगे ये हर एमसीक्यूज होंगे 2 मार्क के। तो इसका मतलब हर एक एमटीक्यू में एक शॉर्ट केस स्टडी है, हर केस स्टडी से निकलेंगे 5 एमसीक्यूज, और हर 5 एमसीक्यूज जो होंगे वो हर एमसीक्यू होगा 2 मार्क का। इसका मतलब एक एमटीक्यू बन गया 10 मार्क का, और 3 एमटीक्यू आएंगे तो टोटल हो गए 30 मार्क। अच्छा, ये बड़ा कॉमन है कि जब भी आप ये शॉर्ट केस स्टडीज देखते हैं तो इन शॉर्ट केस स्टडीज के अंदर अक्सर मल्टीपल टॉपिक्स एक साथ टेस्ट होते हैं, मल्टीपल टॉपिक्स आते हैं, ठीक है ना। यानी ऐसा बहुत कम होता है कि आपके पास कोई एक पर्टिकुलर एमटीक्यू आए, एक केस स्टडी आए, और वो उस केस स्टडी से जो 5 एमसीक्यू निकले वो सारे के सारे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेट करते हो। ऐसा अक्सर नहीं होता, यानी 2 या 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बड़े कॉमन है। हाँ, पास्ट के अंदर ऐसा हुआ है कि पूरा एमटीक्यू आ गया, मिसाल के तौर पे IAS 36 है, ऐसा हुआ है, पूरा एमटीक्यू आ गया IAS 16 से, ऐसा हुआ है, लेकिन कम होता है। तो ज्यादातर एमटीक्यूज ऐसे ही होते हैं जिसमें एक एमटीक्यू के अंदर 5 एमसीक्यू जो निकलते हैं वो मल्टीपल अकाउंटिंग एरियाज को, मल्टीपल आईएएस और आईएफआरएस को टेस्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये भी एक कॉम्प्लेक्स एरिया है, ये भी एक चैलेंजिंग एरिया है। यहां पे भी आपने अगर इन डेप्थ चीजों को कवर किया हुआ होगा तो मामला आपके लिए आसान होंगे, अगर इन डेप्थ कवर नहीं किया हुआ होगा चीजों को तो मामला आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे, क्लियर। फिर उसके बाद आते हैं आप लोग सेक्शन सी के ऊपर। सेक्शन सी के ऊपर जब आप आते हैं तो सेक्शन सी के अंदर आते हैं 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, जिनको बेटा हम लोग कहते हैं CRQs, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस जो होंगे, ये होंगे स्पेसिफिकली स्प्रेडशीट फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, या फिर वर्ड फॉर्मेट के अंदर। तो 2 फॉर्मेट के अंदर आपके पास आते हैं ये 2 CRQs। अच्छा, जो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास आएंगे ना, ये इंटायर एरिया ऑफ सिलेबस से नहीं है, इनके लिए तायुन कर दिया गया है कि ये किस टॉपिक से आएंगे। बेटा, आपके पास एक सवाल निकलेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, यानी वो एक सवाल होगा रेशियोज का, ठीक है, और एक सवाल आपके पास होगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेटा जिन लोगों ने पहले ये बात पढ़ी हुई है या जो चीज फास्ट ट्रैक के अंदर देख रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं, यानी इसके अंदर सिंगल एंटिटी भी आ जाती है,
सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने को भी आ जाता है, जिस टॉपिक को हम लोग क्या कहते थे, फाइनल अकाउंट्स कहते थे। तो फाइनल अकाउंट्स का सवाल भी आ जाता है, या फिर इसके अंदर कंसोलिडेशन का एरिया भी कवर हो जाता है, कंसोलिडेशन का एरिया भी कवर हो जाता है। तो आपके पास दो सवाल आएंगे, एक सवाल डन डस्टेड है रेशियोज का, जिसके अंदर मेजॉरिटी मार्क्स यानी मोर देन 70% मार्क्स कंफर्म्ड है, 70-80% मार्क्स आएंगे रेशियोज के ऊपर। अच्छा, कभी कभार कुछ पार्ट आ जाता है जो कि किसी और एरिया ऑफ सिलेबस को टेस्ट कर लेगा, लेकिन मेजॉरिटी होगा रेशियोज का, मेजॉरिटी होगा रेशियोज का। अच्छा, मैंने बताया ना, अब 20 मार्क का रेशियोज का सवाल आना है। अब उस 20 मार्क के रेशियोज के सवाल में 4 मार्क के लिए, 6 मार्क के लिए वो कंसोलिडेशन की भी कोई बात पूछ ले। जैसे मिसाल के तौर पर अक्सर ऐसा एक एरिया आता है जिसमें डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी वो टेस्ट कर लेता है 5-6 मार्क का, 14 मार्क का फिर भी रेशियोज होता है। एक सवाल आएगा समझ लो प्योर रेशियोज का, और एक सवाल आएगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो किसी का आएगा सिंगल एंटिटी का, किसी का आएगा कंसोलिडेशन का। तो इसका मतलब सब बच्चों को सब कुछ कवर करके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका सिंगल एंटिटी वाला लगेगा या कंसोलिडेशन वाला लगेगा। हो सकता है आप जहां बैठे हो आपका सिंगल एंटिटी का सीआरक्यू आए, आपके बराबर में जो स्टूडेंट बैठा हुआ हो सकता है उसका कंसोलिडेशन टेस्ट हो जाए। ये मिक्स एंड मैच आता है, इसका मतलब टोटल 3 एरिया से 2 सवाल निकलेंगे आपके सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन सी में जो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं बेटा, वो 40 मार्क के होते हैं। 40 मार्क का मतलब हर सवाल होगा बेटा आपके पास, हर सवाल होगा 20-20 मार्क्स का, हर सवाल होगा बेटा आपके पास 20-20 मार्क्स का। क्लियर होती है बेटा आपके सामने ये बात, डन। तो 20-20 मार्क्स, 40 मार्क्स ये आपके पेपर हो जाएगा, क्लियर। अब आपने ये बात समझ ली ना कि देखें आपका पेपर आएगा कैसे। अच्छा सर, एक बात तो आप बताना भूल ही गए, सर ये जो एक मसला आपने यहाँ पे डाल दिया कि सर ये जो स्प्रेडशीट के ऊपर सवाल आते हैं, सर ये तो वर्ड के ऊपर सवाल आते हैं, सर मैं स्प्रेडशीट पे कैसे सॉल्व करूंगा, सर आप कराएंगे या नहीं कराएंगे? भाई बिल्कुल कराएंगे, पूरे पूरे सवाल स्प्रेडशीट पे भी सॉल्व करवाते हैं, पूरे पूरे सवाल वर्ड पे भी सॉल्व करवाते हैं, लाइव एनवायरमेंट के अंदर। यानी लाइव एनवायरमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सवाल में मैं खुद एग्जाम का एक सवाल खोलता हूँ, स्प्रेडशीट वाले पूरे आपके एग्जाम पोर्टल के ऊपर खोलता हूं और एग्जाम पोर्टल के ऊपर ही सॉल्व करता हूं, पूरा वर्ड का सवाल खोलता हूं और पूरा का पूरा वर्ड का सवाल उस एग्जाम सिनेरियो के अंदर ही पूरा सॉल्व करता हूं, लाइव लिख रहा होता हूं, उसी वक्त सवाल पढ़ता हूं, उसी वक्त सॉल्व कर रहा होता हूं, क्लियर। तो उस चीज की प्रैक्टिस आपके इस पूरे कोर्स के अंदर इंशाल्लाह ताला शामिल है। तो ये छोटी छोटी कंप्यूटर लिटरेसी की चीजों की आपने फिक्र नहीं करनी, ये इंशाल्लाह हो जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि आपको ना आ सके, आप सब सीख सकते हैं, आप सबको सब कुछ आ सकता है, तो उसकी परेशानी बिल्कुल मत लीजिएगा। खैर, हमें ये समझ में आ गया कि सर टोटल 3 सेक्शन से ही अपने 100 मार्क निकलने हैं और हमने फोकस करना है 100 मार्क्स के ऊपर। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं है ना, तो प्रैक्टिकल नहीं है तो ये गेम नहीं हो सकता। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, जो मैं कह रहा हूं वैसे फॉलो करना पड़ेगा, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला आप जरूर पास हो जाएंगे, क्लियर। अच्छा, जो मैं आपके सामने प्लानर लेकर आया हूं ना बेटा, वो प्लानर बड़ा डिटेल्ड प्लानर है। यानी जो प्लानर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, वो मेरे सिर्फ लेक्चर्स का प्लानर नहीं है, वो सिर्फ मेरी रिकॉर्डिंग्स का प्लानर नहीं है या किसी लाइव सेशन का प्लानर नहीं है। मैं आपको एक होलसम स्टडी पैकेज देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप जब मेरा ये 30-day क्रैश कोर्स लेंगे या आप मेरा ये क्रैश कोर्स लेंगे, तो इस क्रैश कोर्स को मैंने डिजाइन ऐसे किया है कि आपके लेक्चर्स भी कवर होते रहे और साथ साथ आपकी एग्जाम प्रैक्टिस भी होती रहे। आप दोनों चीजों को साथ लेके चल रहे होंगे, यानी शायद अभी जो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपके साथ नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर बात करूंगा, वो नंबर ऑफ आवर्स आपको एकदम से देखने को ज्यादा लगेंगे। आप बोलेंगे इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा, अरे भाई वो इतने घंटे पढ़ने के अंदर आपके घंटे भी शामिल है, मेरे लेक्चर्स के घंटे भी शामिल है, एग्जाम भी शामिल है, आपकी होलसम प्रिपरेशन शामिल है। इस होलसम प्रिपरेशन को आपके वर्कलोड को देखते हुए मैंने ये प्लान बनाया है, अप टू बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी मैंने अपने हिसाब से बड़ा बेहतर बनाया है, क्लियर। जरा सुन लीजिएगा बेटा, मैंने जो आपके लिए प्लानर डिजाइन किया है, ये ब्रांड न्यू प्लानर है और मैंने इसको स्पेसिफिकली टेलर किया है स्टूडेंट्स के लिए। यानी ये प्लानर फ्रॉम अ ट्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मैं तो कहता हूं ये प्लानर फ्रॉम अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने अपने आप को एक स्टूडेंट की कैटेगरी के अंदर डाला और एक स्टूडेंट की कैटेगरी के अंदर रहते हुए आपके लिए प्लान डिजाइन किया है कि कैसे लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर आप कोर्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए याद रखना, आपको मेरे साथ करनी पड़ेगी भैया कमिटमेंट। अनलेस कमिटमेंट इज मेड देयर आर ओनली प्रॉमिसेस एंड होप्स बट नो प्लान्स।
अक्सर ऐसा होता है ना कि आप किसी मूवी के अंदर जाके देखते हैं कि पहले मेरे पास एक मुर्गी होगी, मुर्गी से एक अंडा होगा, अंडे से बच्चा निकलेगा, बच्चा बड़ा होगा, फिर और अंडे आएंगे, अंडे आएंगे तो उससे और बच्चे पैदा होंगे, फिर वो बच्चे अंडे देंगे, अंडे से और अंडे, ये सब चलता है। ये क्या है, सिर्फ ख्वाहिश है। मैं इसको अक्सर ये कहता हूँ कि उन लोगों की जन्नत के अंदर रहने का कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू बी यू नो कमिटेड टू योर प्रोफेशन। आप यकीन जाने, मैं अपनी रियल लाइफ स्टोरी आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। मैंने अपनी सारी जिंदगी में ना जब तक किसी काम का प्लान नहीं बनाया ना, तब तक वो काम हुआ ही नहीं। मैं सबसे पहले अपनी जिंदगी के अंदर जितने भी पेपर, अल्लाह का शुक्र है मैंने काफी पेपर पास किए हैं, तो मैंने जब भी कोई पेपर पास किए ना, मैंने हमेशा क्या किया अपने दिमाग में या अपनी स्प्रेडशीट के ऊपर या अपने एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर, जिस जमाने में मैं पढ़ता था उतना स्प्रेडशीट का जमाना नहीं होता था, तो जमाने में मैं एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर या मैंने जब जहां पढ़ता था ना, तो मैंने अपने वहां पे एक व्हाइट बोर्ड लगाया हुआ था, मैं वहां पे पूरे एक एक दिन के घंटे के हिसाब से, मिनट के हिसाब से एक प्लान लिखता था। मेरे दिमाग में जब चीज का प्लान आ जाया करता था ना, तो उस प्लान के साथ कमिटमेंट शो करना आसान था। अक्सर स्टूडेंट्स में देखता हूँ, अक्सर स्टूडेंट्स के अंदर ना वो किक ही नहीं आ रही होती कि यार अब कल पढ़ेंगे, यार परसों पढ़ेंगे, यार तरसों पढ़ेंगे, और फिर करते करते आप बोलते हैं यार अगली अटेम्प्ट के अंदर पढ़ेंगे, यार सर मैसेजेस आ रहे होते हैं, सर किसी तरह कैरी फॉरवर्ड करवा दें, सर आप अपना कोर्स कैरी फॉरवर्ड कर दें, सर पढ़ना आप सही है लेकिन आप अपना कोर्स कैरी फॉरवर्ड कर दें, सर ECC से बोलें किसी तरह हमारा पेपर आगे लेके चले जाए। वो हो क्या रहा है, आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर एबिलिटी है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। बेटा दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ ख्वाब में ही सोच सकते हैं कि उनको ECC करना है, उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। उनके माँ बाप की ख्वाहिश ही हो सकती है कि उनका बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए। आपके अंदर वो एबिलिटी है क्योंकि आप यहां तक आ गए, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आप यहां तक आ गए, आपके पास अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मैं आपके सामने आ गया। तो बेटा इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कमिटमेंट शो करनी पड़ेगी इस प्लानर के साथ। अगर आपने प्लानर के साथ कमिटमेंट शो नहीं की तो बेटा फिर सारी मेहनत जाए। ये सब लेक्चर वेक्चर सब बेकार देख रहे हो, इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। स्टॉप वीडियो करो, आगे बढ़ जाओ जिंदगी में। लाला लैंड के अंदर जियो, लाला लैंड के अंदर जियो, यानी साइबेरिया की हवाएं तुम्हें लग रही होंगी, तुम इतने ठंड के अंदर जी रहे होगे कि सारी जिंदगी तुम्हें ठंड लगती रहेगी। लेकिन ये बात याद रखना, आज तुम अपनी जिंदगी ठंड के अंदर गुजार दो, सारी जिंदगी ठंड में रहोगे, सारी जिंदगी ठंड में रहोगे, सारी जिंदगी में ठंड में रहने का हिसाब ये पड़ेगा कि कभी बड़े आदमी नहीं बन पाओगे। तो अगर बड़े ख्वाब देखने हैं, बड़े आदमी बनना है, प्रोफेशन के अंदर आना है, खुद को चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाना है, तो आज कमिटमेंट शो करनी पड़ेगी। आज की 30 दिन की कमिटमेंट मांग रहा हूं, आज की 30 दिन और 90 घंटे की कमिटमेंट मांग रहा हूं 30 दिन के अंदर। अगर तुमने मेरे साथ ये कमिटमेंट शो कर ली तो ये पेपर तो निकलवा ही दूंगा। और एक बार इस पेपर के जरिए तुम्हारे अंदर वो एक मोमेंटम पैदा हो गया, इस पेपर के जरिए वो तुम्हारे अंदर एक एक चार्म पैदा हो गई, वो तुम्हारे अंदर एक नियत पैदा हो गई, वो तुम्हारे अंदर एक किक आ गई, तो अल्टीमेटली सारे पेपर तुम्हारे लिए गुजारना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। तुम कर जाओगे, तुम बहुत इंशाल्लाह ताला बहुत काबिल आदमी बनोगे। क्लियर? अच्छा बेटा, मैंने अपने सारे प्लानर को डिवाइड किया है फॉर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया आई हैव मेड दिस फॉर स्टूडेंट्स, आई हैव नॉट मेड इट एज अ ट्यूटर, मेड इट एज द फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टूडेंट। तो बेटा आपके पास ना फुल टाइम स्टूडेंट्स होते हैं या पार्ट टाइम स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा, फुल टाइम स्टूडेंट्स की कहानी अलग है, पार्ट टाइम स्टूडेंट्स की कहानी अलग है। दोनों कहानियों के लिए मैंने हिसाब ये रखा है कि इफेक्टिव आवर्स ऑफ स्टडी होने चाहिए। अच्छा, जब मैं पढ़ता था ना अपने जमाने के अंदर, आज से 12-13 साल पहले, तो मैं पढ़ता था एक दिन में, ज्यादा नहीं पढ़ता था, कोई अंदाजन कोई 15-16 घंटे दिन में पढ़ता था बस। मैं एग्जाम के टाइम की बात कर रहा हूँ, 15-16 घंटे, ज्यादा नहीं। ज्यादा पढ़ूंगा तो भाई मतलब मसला हो जाता ना, 15-16 घंटे। लेकिन बेटा मैं अलग ही चीज था, सही है ना? तो मैं पढ़ता था पागलों की तरह, मैं पढ़ता था ऐसे कि भाई सब कुछ कर लूं मैं दुनिया के अंदर, और जिंदगी में मेरा टारगेट ही होता था कि भाई कुछ भी कर लो 100 ले आऊं। अच्छा, मेरे कभी आए नहीं 100, मेरे मैक्सिमम मार्क्स जो आए वो 90s के अंदर आए, इससे ज्यादा मेरे नहीं आया। लेकिन अच्छा, मैंने कोशिश हमेशा 100 लाने की, तैयार अपने आप को 100 मार्क के लिए करता था, तो लेकिन मैं ज्यादा पढ़ता था। अब मैं समझता हूं आज के स्टूडेंट्स इस डिजिटल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत तो नहीं पढ़ सकते। हमारे जमाने के अंदर ये मोबाइल फोन का कीड़ा भी नहीं था, तो आपके जमाने के अंदर एक ये भी चीज है, तो मैं समझता हूं आप बहुत तो नहीं पढ़ सकते। लेकिन मैंने प्लान आपके लिए ऐसा बनाया है कि आप इफेक्टिवली स्टडी करें, जब भी स्टडी करें मोबाइल बंद करें, इफेक्टिवली स्टडी करें, इंशाल्लाह ताला आफाका होगा। मैं समझता हूं अगर आप 30 दिन के प्लान के अंदर आते हैं, तो 30 दिन के प्लान के अंदर एक महीने के अंदर मुझे लगता है कि आपको 8 वीकेंड मिलेंगे और 22 वीकडे मिलेंगे। 8 वीकेंड मिलेंगे और 22 वीकडेज मिलेंगे आपको।
अगर आप इस लिहाज से देखें तो हर एक फुल टाइम स्टूडेंट इफेक्टिवली का मतलब हर चवल स्टूडेंट भी ये चीज अचीव कर सकता है, इफेक्टिव स्टडी की बात कर रहा हूं। तो हर एक वीकडे के अंदर आप डेली 3 घंटे स्टडी तो आराम से कर सकते हैं और वीकेंड पे भी 3 घंटे आराम से स्टडी कर सकते हैं। तो जो एक रेगुलर स्टूडेंट है, जो कि फुल टाइम स्टूडेंट है और वो अभी पेपर देने जा रहा है, मैं उसको बोलूंगा अगले 30 दिन के लिए हर रोज के अपने 3 घंटे मेरे लेक्चर्स को कमिट कर दो, मेरी तैयारी को कमिट कर दो, मेरे पेपर को कमिट कर दो। अगर तुम ये काम कर लोगे तो वीकडेज के अंदर 66 आवर्स निकलेंगे, वीकेंड्स के अंदर 24 घंटे निकलेंगे, टोटल 90 आवर्स के अंदर तुम इस कोर्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो बड़े आराम से। ये बात जरूर है कि मैं अपनी आवाम को जानता हूं, बहुत सारे लेक्चर्स आप 1.25 और अल्लाह माफ करे कोई ऐसा लेक्चर भी होता है जो कि आप 1.5x के ऊपर भी देखेंगे, तो 19-20 इतने ही घंटे लगेंगे आपको टोटल प्रिपेयर करने के अंदर। अच्छा, मुझे क्यों लगता है कि आप हर रोज 3 घंटे पढ़े, 30 दिन के लिए पढ़े, 90 घंटे पूरे करें तो आप ये पेपर कर लेंगे? 90 घंटे की लॉजिक क्या है? अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई लेक्चर आप 1.5x देख रहे होते हैं, तो 1.5x का मतलब ये, अगर सारे लेक्चर कोई बच्चा 1.5x पे देखे तो 90 घंटे 60 घंटे के अंदर भी बन सकते हैं। लेकिन मैं ये बात को ये भी मानता हूं कि कभी कभार आपको किसी कॉन्सेप्ट को 2 बार देखना पड़ता है, उसको समझने के लिए 2 बार देखना पड़ता है, या खुद से प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, तो किसी लेक्चर के अंदर आप डबल टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा 1.25 भी लगा ले, लेकिन कुछ जगह टाइम काट रहा होगा, लेकिन कुछ जगह टाइम ज्यादा लगा रहा होगा, ओवरऑल मुझे लगता है कि आपको 90 घंटे लगाने पड़ेंगे अगले 30 दिन के अंदर अगर आपने इस पेपर को निकालना है। जो पार्ट टाइम स्टूडेंट है वो सुबह नौकरी करता है, वीकेंड में फ्री होता है। जो बेटा पार्ट टाइम स्टूडेंट सुबह नौकरी करता है, उसके लिए मैंने बोला यार तुम एक काम करो, तुम 30 डेज ना लो, तुम एक काम करो कुल मिला के ना 33 डेज ले लो, भाई मेरे को दे दो ना, इतनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो यार दे देना पड़ेगा ना, तो 33 डेज ले लो। अगर तुम वीकडे के अंदर रेगुलरली हर रोज इफेक्टिव आवर्स ऑफ स्टडी 2 घंटे देते हो, यानी 1 घंटा तुम ऑफिस के दौरान कहीं निकाल लो, या मिसाल के तौर पे तुम्हारा 5 बजे मिसाल के तौर पे ऑफिस ऑफ हो जाता है, तो ऑफिस में 5 बजे के बाद बैठ के 2 घंटे पढ़ लो, या एक काम करो 1 घंटा ऑफिस में पढ़ लो, 1 घंटा घर में सोने से पहले मेरी आवाज सुन लो, तो नींद भी बड़ी अच्छी आ जाएगी है। तो अगर तुम 25 वीकडेज तुम 2 आवर स्टडी करते हो, लेकिन 8 वीकेंड जो तुम्हारे पास आएंगे तुम उसमें हर वीकेंड के ऊपर 5-5 घंटे स्पेंड करते हो, सर ये तो ज्यादती हो गई सर, आपने नॉर्मल स्टूडेंट्स को 3 घंटे बोला हर रोज पढ़ो, लेकिन हमें बोल रहे हैं वीकेंड्स के ऊपर 5-5 घंटे पढ़ो, सर ये क्या ज्यादती नहीं है? बेटा ज्यादती नहीं है, क्योंकि तुम जो पार्ट टाइम स्टूडेंट हो बेटा, तुम्हें आदत है काम करने की। तुम ये नहीं बोलो सर 5 घंटे वीकेंड पे कैसे पढ़ूंगा, अरे भाई तुम काबिल हो, तुम मंडे टू फ्राइडे बहुत काम करते हो, क्योंकि तुम मंडे टू फ्राइडे सीट पे बैठ के, जाहिर सी बात है मोस्ट लाइकली फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर ही होगे, तो बेटा अगर तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर खास तौर पे हो तो मंडे टू फ्राइडे तुम्हारे अंदर इस बात की ताकत है, तुम्हारे अंदर इस बात की एबिलिटी है कि तुम स्क्रीन के सामने बैठ के बहुत काम कर लेते हो। तो अगर तुम मंडे टू फ्राइडे 8-9 घंटे अपने ऑफिस को दे सकते हो, तो क्या वीकेंड पे मेरे कहने से हर वीकेंड के ऊपर 5 घंटे अपने आप को नहीं दे सकते, अपने करियर को बनाने के लिए नहीं दे सकते? सर यार मैं कैसे टाइम निकालूं, सर मेरा बॉस मुझे बहुत काम देता है, सर बहुत काम देता है। मेरे बच्चे अगर तुम क्वालिफाई नहीं हुए ना, अगर अभी तक तुम स्किल्स लेवल के अंदर हो ना, तो तुम्हारा बॉस तुम्हें कितना भी काम देता है, तुम कितना भी तुम्हारे मुताबिक तुम इंपॉर्टेंट काम करते हो ना, मेरे मुताबिक तुम कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं करते। बेटा स्किल लेवल पे तुम्हें कोई सीएफओ की नौकरी तो मिली नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट ना, तुम एक एंट्री लेवल पोजीशन के ऊपर ही हो। तो बेटा एंट्री लेवल पोजीशन के ऊपर ज्यादा बेहतर यह है कि अपने ऊपर काम करो रादर देन किसी और के लिए काम करो। वही बॉस जो कि तुमको कह रहा है कि अबे छोड़ पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा, तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को ग्रो करवा दूंगा, अगर तुम्हारे पेपर राइट टाइम पे पास नहीं हुए, तो वही बंदा तुम्हारे अप्रेजल के वक्त पे या तुम्हारी प्रमोशन के वक्त पे तुम्हें ये बोलेगा अबे पढ़ लेते ना, तो आज ऐसा नहीं होता। बेटा वो सारे लोग जो कि तुम्हें पढ़ता हुआ देख के चिढ़ रहे होते हैं ना, वही सारे लोग तुम्हारे रिजल्ट वाले दिन तुम्हारे सबसे पहले मैसेज करते हैं तुमको, या सबसे पहले तुम्हारी तरफ देख रहे होते हैं, और अल्लाह ना करे अगर तुम्हारा पेपर नहीं निकलता ना, तो सबसे पहले तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, दिल ही दिल में तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं। वो सारे लोग जो कि आज तुम्हें डिस्करेज कर रहे हैं पढ़ने के लिए, वही सारे लोग आके तुम्हें ज्ञान बांट रहे होते हैं तुम्हारे रिजल्ट वाले दिन, और तुम्हें कहते हैं यार पढ़ लेते तो आज ऐसा नहीं होता। तो बेटा उन लोगों को मौका क्यों दे रहे हो? इससे बहुत ज्यादा बेहतर है कि बेटा ऐसे टाइप के लोगों से किनारा कशी करो, ऐसे टाइप के लोग
लोगों से थोड़ा सा कट हो, अगले 30 दिन तक बेटा लग के मेहनत कर लो, लग के मेहनत कर लो, इंशाल्लाह ताला सारे काम तुम्हारे बारे में रहेंगे। तो वीकडेज के अंदर तुम्हें 50 घंटे निकालने हैं, वीकडेज के अंदर तुम्हें 50 घंटे निकालने हैं, और ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तुम्हें वीकेंड्स के अंदर तुम्हें 40 आवर्स निकालने हैं, तो ये कुल मिला के तुम्हारे 90 आवर्स हो जाएंगे। 8 × 5 = 40 होता है, तो तुम्हारे 90 आवर्स हो जाएंगे। जब तुम्हारे 90 आवर्स हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला तुम नॉर्मल स्टूडेंट्स यानी फुल टाइम स्टूडेंट्स के बराबर आ जाओगे। क्लियर होती है बात? 90 घंटे चाहिए मुझे, 90 घंटे। सर इन 90 घंटों के अंदर आप क्या क्या हमसे कवर कराना चाह रहे हैं? पहली बात याद रखना, जो भी करवाना चाह रहा हूं वो एग्जाम फोकस्ड करवाना चाह रहा हूं। एग्जाम फोकस का मतलब क्या होता है? लेक्चर दूंगा, लेक्चर के बाद बोलूंगा ये काम कर लो, फिर बात बोलूंगा ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो। जिस मैनर के अंदर दूंगा उसी मैनर के अंदर काम करना है, उस मैनर को तोड़ना नहीं है। जिस मैनर के अंदर आपको काम करने को कह रहा हूं उस मैनर के अंदर काम करें। 90 घंटे के अंदर आपके पूरे पेपर की तैयारी है। 30 दिन लगा लो तो भी तुम्हारे पास इतना टाइम बचेगा कि तुम्हारे पेपर से पहले तुम्हारे पास 10-15 दिन होंगे कि तुम सारी चीजों को फिर से रिवाइज कर लो, खुद से जाके एग्जाम के अटेम्प्ट कर लो, खुद से जाके मॉक एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर लो, मेरे साथ क्वेरी कर लो, सब कुछ तुम्हारे पास अवेलेबल होगा अगर ये 90 घंटे का चैलेंज पूरा कर लिया। हाँ, 90 घंटे के अंदर सुस्ती कर ली तो फिर तुम 190 घंटे भी लगा लो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम टाइम जाया कर रहे हो अपना। ठीक है ना, ऐसा ना करो। ठीक है, व्हाट्स द प्लान, करना क्या है? देखिए, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपने 8 कैटेगरीज के अंदर काम करना है मेरे साथ। 8 कैटेगरीज, मैंने आपके पूरे कोर्स स्ट्रक्चर को 8 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया। पहला आपका काम क्या है कि लगभग बहुत से बहुत 1 घंटे की ओरिएंटेशन है जो अभी आप ले रहे हैं, तो आपने बहुत से बहुत 1 घंटा लगाना है ओरिएंटेशन लेने के अंदर। द टारगेट इज कि एग्जीक्यूशन ऐसे करेंगे कि प्लान कर लेंगे अपने आप को। इस सेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप प्लान कर लें अपने आप को in relation to the total time, in relation to the total effort that you will be putting in preparation of this paper, it's just 1% of your time. 1% of your time I'm taking in this orientation session so that you can plan yourself. Just 1%. क्लियर? फिर बेटा आप मेरे साथ कवर करेंगे आईएएस और आईएफआरएस। लगभग कोई 14 आईएएस और आईएफआरएस मैं पहले आपको कवर कराऊंगा, इससे पहले कि मैं आपको एग्जाम किट अटेम्प्ट करवाऊं। 14 आईएएस और आईएफआरएस पहले अटेम्प्ट करवाऊंगा। वैसे आपके पूरे कोर्स के अंदर लगभग 20 से 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हैं। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके कवर हो जाते हैं कंसोलिडेशन के वक्त में, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके कवर हो जाता है कैश फ्लो के वक्त में, कुछ आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर हो जाता है आपके फाइनल अकाउंट्स के वक्त में, जैसे IAS 1 IAS 2। कुछ आपका कुछ एरिया ऐसा होता है जिनको मैं अदर एरियाज के अंदर क्लासिफाई करता हूं, इनके ऊपर शुरू में टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं 14 ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनके पहले काम करना है। सर 14 क्यों? सर कोर्स में तो 20-21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। सर मैं तो 20 के 20 21 के 21 पहली बारी में करना चाहता हूं। कर लो, फिर अगली अटेम्प्ट में दोबारा मेरा लेक्चर ले लेना। यार मैं कह रहा हूं ना आपको, मैं अपने तजर्बे से आपको ये कह रहा हूं कि मेरे भैया, मेरी अप टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड एबिलिटी जो अल्लाह ताला ने मेरे अंदर सलाहियत डाली या जो अल्लाह ताला मेरे से अभी काम ले रहा है, मेरे मुताबिक आपको जो मैं 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा हूं ना, पहले आप वो कवर करें। अगर आपने ये 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर लिए तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि मेरे दूसरे मॉड्यूल के ऊपर चले जाएं जिसके अंदर सेक्शन बी की प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा, सेक्शन बी की प्रैक्टिस से मुराद ये है कि सेक्शन ए की प्रैक्टिस भी हो रही है। सेक्शन बी की प्रैक्टिस से मुराद ये है कि सेक्शन ए की प्रैक्टिस भी हो रही है। सेक्शन बी के अंदर ऑन एवरेज 1 लेक्चर होगा आधे घंटे का। सही है ना? प्योर एग्जाम फोकस हो रहा है, प्योर एग्जाम फोकस। क्वेश्चन 281 से लेके क्वेश्चन 360 तक आपकी कैपलेन एग्जाम किट में लगभग जितने एमटीक्यूज दिए मैं सारे कवर करवाऊंगा, सारे खुद से कवर करवाऊंगा। ठीक है ना? तो बेटा 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लो। 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेने के बाद 281 से लेके 360 तक यानी लगभग हम कोई 80 एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। 80 एमसीक्यूज मेरे साथ लगभग 19-20 होंगे, बीच में से कुछ स्किप भी कराया है क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं लग रहा था या टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा था या आपको होमवर्क में दिया है, लेकिन इसके अलावा लगभग 80 एमसीक्यूज मैं आपको कह रहा हूं आप मेरे साथ ही सॉल्व कर लोगे। तो इसका मतलब आपके 80 एमसीक्यूज की तैयारी हो जाएगी। आप कुल मिला के आपके एग्जाम के अंदर सेक्शन ए के अंदर 15 एमसीक्यूज आने हैं, सेक्शन बी के अंदर 15 एमसीक्यूज आने हैं, यानी कुल मिला के आपके एग्जाम के अंदर आएंगे 30 एमसीक्यूज। मैं आपको करवा रहा हूं 80 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। सही है ना? खुद से करवा रहा हूं, बाकी खुद भी तो करोगे ना तुम लोग हैं।
खुद क्या करोगे जिंदगी में, 80 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, लेकिन वो होंगे इन 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बाद में। फिर उसके बाद जैसे ही आप ये सेक्शन बी की प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपके सेक्शन बी की प्रैक्टिस कंप्लीट करने तक आपके आईएएस और आईएफआरएस पक्के हो जाएंगे। जब आपके आईएएस और आईएफआरएस पक्के हो जाएंगे तो मैं आपको बोलूंगा फाइनल अकाउंट्स के लेक्चर के अंदर जाओ, यानी उस यूनिट के अंदर जाओ। वहां आपको हर लेक्चर को पूरा करने के अंदर हर लेक्चर होगा ऑन एवरेज 1.5 घंटे का, ऑन एवरेज 1.5 घंटे का। अच्छा, वैसे एग्जाम के अंदर आपके पास हर सवाल को कंप्लीट करने के लिए 20 मार्क के सवाल को कंप्लीट करने के लिए 36 मिनट होते हैं। मैं 36 मिनट का डबल लेता हूं आपको। क्यों लेता हूं डबल? क्योंकि पढ़ा पढ़ा के करवा रहा होता हूं, पढ़ा पढ़ा के एक एक एडजस्टमेंट डिटेल के अंदर जाके एंट्रीज बनवा बनवा के आपसे डॉक्यूमेंट करवा करवा के कराऊंगा। तो क्योंकि ज्यादा टाइम लगाता हूं, पढ़ा पढ़ा के करवाता हूं, तो मेरे लेक्चर होंगे 1 घंटे से लेके 1.25 घंटे के दरमियान, जिसके अंदर पूरे पूरे सवाल अल्लाह ने चाहा तो मैं खुद सॉल्व कर रहा हूं, स्प्रेडशीट के ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, स्प्रेडशीट के अंदर फॉर्मूला लगाना सिखा रहा हूं, वर्किंग बनाना सिखा रहा हूं, क्योंकि ये सारे काम खुद कर रहा हूं, लिंकिंग करना सिखा रहा हूं, क्योंकि ये सारे काम खुद कर रहा हूं, तो आपको 1.5 घंटे के अंदर सिखाऊंगा वही चीज जो कि आपने एग्जाम में कम टाइम में करनी है। ठीक है ना? जब मेरे साथ ये घंटे लगाओगे तो अल्टीमेटली खुद इस काबिल हो जाओगे कि बोलोगे सर अगर मैं खुद से कर रहा होता ना, आपकी बात सुनने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर खुद से कर रहा होता तो आपसे हाफ टाइम के अंदर कर लेता, यानी एग्जाम का टारगेट अचीव हो जाएगा, एग्जाम का टारगेट आराम से अचीव हो जाएगा, उसकी फिक्र ना करना। तो बेटा आईएएस और आईएफआरएस 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर किए, फिर उसके बाद जो है तुमने सेक्शन बी कवर किया, उसके बाद जो है तुमने फाइनल अकाउंट्स को कवर किया, और फाइनल अकाउंट्स यानी सिंगल एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कवर करते ही मैं तुम्हें ले जाऊंगा कंसोलिडेशन के अंदर। कंसोलिडेशन के अंदर मैंने पूरी कंसोलिडेशन को हिस्सों में तोड़ा। अच्छा, क्रैश के स्टूडेंट्स के लिए कंसोलिडेशन के सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड करवाए, इसलिए रिकॉर्ड करवाए ताकि उनको एग्जाम फोकस बात बताऊं, इतनी लंबी ना हो रही हो कि आप सो जाएं। मुझे पता है ना, मैं आपको फुल डिटेल के अंदर लेके जाऊंगा तो मेरे लेक्चर्स लंबे हो जाएंगे, आपके लिए एग्जाम फोकस अच्छा है, कंप्लीट है, डिटेल्ड, बिल्कुल नुक्ते पे नुक्ता। अगर आपने जिंदगी में कंसोलिडेशन कभी नहीं पढ़ी तब भी सीख लोगे, लेकिन फोकस क्या है कि आपके लिए नए नवेले लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आपको एग्जाम फोकस लेकर आना है। बाइट साइज तोड़ दिया, एक एक घंटे के लेक्चर्स के अंदर पूरे कंसोलिडेशन के टॉपिक को तोड़ा, इसके अंदर इन डेप्थ कवरेज हमने करनी है। ये बात याद रखना कि कंसोलिडेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों बेटा? पहली बात, मैंने अक्सर देखा है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स का कंसोलिडेशन आ जाता है। दूसरी बात, कंसोलिडेशन आपके आज से पहले वाले पेपर के अंदर उतना इनडेप्थ कवर नहीं हुआ हुआ होता जितना इस पेपर के अंदर कवर होगा, यानी F3 वाले पेपर के अंदर इतना इनडेप्थ कवर नहीं हुआ हुआ होता कंसोलिडेशन जितना अब हो रहा होगा। तो इसका मतलब इसको एग्जामिनर की चाहत होती है कि वो आपसे टेस्ट करे, और आपको भी इनडेप्थ कवर करना ही पड़ता है ताकि आप एग्जाम के अंदर कंसोलिडेशन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सके। कंसोलिडेशन को अच्छा इसलिए भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि इसका MTQ भी आ जाता है। कंसोलिडेशन को अच्छा इसलिए भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि कंसोलिडेशन का कुछ पार्ट, जैसे मैंने अभी पिछले इंट्रो में बता रहा था, कंसोलिडेशन का कुछ पार्ट कभी-कभार रेशियोस के सवाल के अंदर घुस के भी आ जाता है, इसलिए कंसोलिडेशन के ऊपर वक्त लगाना लाजिम है। जो स्टूडेंट की परसेप्शन ये है कि मैं कंसोलिडेशन में वक्त नहीं लगाऊंगा तो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे। और तीसरी बात बेटा ये है कि कंसोलिडेशन SBR में भी है। SBR में सिर्फ कंसोलिडेशन होती है। SBR जो कि FR के पेपर की सुपरलेटिव डिग्री है, हैं? वो असल तो पेपर वो है ना, असल तो SBR पेपर है, FR तो एक समझ लो बाइट साइज चीज दी है आपको। तो SBR के पेपर में सिर्फ कंसोलिडेशन है, सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती नहीं है, यानी उस वक्त तक आप इतने बड़े हो चुके होते हैं कि एक एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना काफी आसान हो जाता है आपके लिए। तो वहां पर आती है असल कंसोलिडेशन। तो एग्जामिनर अक्सर कोशिश करता है कि यहां पर आपको बेसिक कंसोलिडेशन की, क्योंकि वहां तो एडवांस कंसोलिडेशन असल होती है, तो यहां आपको बेसिक कंसोलिडेशन की टेस्टिंग कर ले आपसे, ताकि जब तक आप SBR के अंदर आए तो आप काबिल होके SBR के अंदर आए। इसीलिए FR के पेपर के अंदर कंसोलिडेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ओवरऑल इन चार एरियाज के ऊपर फोकस करूं ना, तो एफर्ट एनालिसिस के लिहाज से कवरेज के लिहाज से ये आपकी 80% एफर्ट खा जाएंगे चार टॉपिक्स। अच्छा, मैं अगर आपकी जगह होता ना तो इन चार टॉपिक्स को तो घोल के पीता। अच्छा, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आते हैं, लेकिन ये चार से मेरे को पता है यहां से 80% एफर्ट मांगता है। ये चार मैंने पक्के कर लिए ना, तो उसके बाद मेरा पेपर रुक नहीं सकता। अगर कोई स्टूडेंट अल्लाह ना करे पहले फेल हुआ है,
तो फेल होने वाले स्टूडेंट को पता है भाई मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई मैं वर्ल्ड टॉप तो मार नहीं सकता दूसरी अटेम्प्ट में जा रहा हूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पेपर निकालना। तो अगर आपने पेपर निकालना है, अगर आपने सक्सेसफुली अच्छे मार्क्स से भी पेपर निकालना है, तो ये चार एरियाज के ऊपर तो मेजर टाइम लगा दो। इधर बच्चे आपने मेजर टाइम लगा दिया ना, इधर आपने मेजर टाइम लगा दिया ना, देन देयर इज नो स्टॉपिंग, देयर इज नो स्टॉपिंग। अच्छा, मेरा ये भी मानना है, मेरा अपना पर्सनल बिलीफ है कि जिस इंसान के ये चार एरियाज अच्छे होते हैं ना, उसके बाकी एरियाज अच्छे होते ही होते हैं। मतलब शायद वो नाजरी कोई इंसान दिखेगा जो बोलेगा यार मेरे आईएएस आईएफआरएस फाइनल अकाउंट्स कंसोलिडेशन सब अच्छा है लेकिन मेरे को कैश फ्लो समझ में नहीं आती। ऐसा कोई शायद वो नाजरी कोई मतलब कोई ओकेजनली कोई ऐसा चावल इंसान मिल सकता है, वरना नहीं मिलता। तो चार एरियाज में पक्के तो इसका मतलब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट पक्के, चार्टर्ड अकाउंटेंट पक्के तो बाकी सब कुछ वैसे ही हो जाता है। फिर आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का टॉपिक पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में प्योरली फोकस करवाऊंगा आप पे एग्जाम के लिए, और आप सिर्फ इसकी सेक्शन बी की एग्जाम किट करेंगे, सेक्शन सी की एग्जाम किट नहीं करेंगे, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन सीआरक्यू में नहीं आने वाला। तो आपने सिर्फ 4% एफर्ट लगानी है इसके ऊपर, टॉपिक कवर करना है, चीजों को समझना है, नोट्स बनाना है, आगे निकलना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अक्सर मेरी बात नहीं सुनते ना, मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के ऊपर लिमिटेड टाइम स्पेंड करना है, ऑन एवरेज एक लेक्चर एक घंटे के बराबर होगा, जितने लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ उस लेक्चर के ऊपर फोकस करो, इससे ज्यादा टाइम इस पर स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम फोकस चल रहे हो 30 दिन के अंदर, तो इससे इतना टाइम स्पेंड ना करना कि बहुत मेहनत करके जाओ और पेपर में ही ना आए, तो भाई क्यों टाइम जाया कर रहा। सारी लॉजिक सारे कॉन्सेप्ट जो सवाल मैंने करवाए वो करना, सेक्शन बी की प्रैक्टिस करना, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है। रेशोज, रेशोज बड़े भाई मेजर एरिया है, 10% वेटेज दे रहा हूं मैं इसको इन टर्म्स ऑफ एफर्ट। पेपर की वेटेज तो 20% है क्योंकि 20 मार्क का सवाल आता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एफर्ट 10% की इसकी वेटेज दे रहा हूं। इसके अंदर आपको अच्छा टाइम लगाना चाहिए, अच्छा टाइम, मेरे लेक्चर सारे सुनोगे बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, जो सारे सवाल मैं करा रहा हूं वो सारे सवाल करोगे और खुद से भी करोगे, सारी प्रैक्टिस करोगे, जो जो सवाल होमवर्क में दूंगा वो प्रैक्टिस करोगे, जो जो सवाल टारगेट सवाल दूंगा वो प्रैक्टिस करोगे, जो प्री मॉक सवाल दूंगा वो प्री मॉक करोगे, मॉक दूंगा वो करोगे, प्री एग्जाम दूंगा वो, जो जो बोलूंगा वो रेशियोज के अंदर जाके करोगे और खुद से भी करोगे। इसमें खुद की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेटा जब रेशियोज का सवाल आता है ना, तो रेशियोज के सवाल में 60-70% मार्क हलवा होते हैं, एग्जामिनर प्लेट में रख के देता है आपको। 30% कॉम्प्लेक्सिटी तो हर जगह है ना, 30% इस बात के हैं कि आप क्वालिटी ऑफ एनालिसिस कितनी अच्छी करेंगे, आपकी कमेंट्री कितनी अच्छी होगी, आपका दिमाग उस वक्त कितना चल रहा है, आपने टाइम कितना स्पेंड किया सवाल के ऊपर, लेकिन 60-70% पेपर फिर भी आपके हाथ में, फिर भी वो रेशियो का सवाल मैं बोलता हूं एक, फिर वही गलत बात हो जाएगी, आप बोलेंगे सर कितने बदतमीज है, लेकिन कोई मसला नहीं है, चवल बच्चे की ना 50-60% मार्क रेशियोज के सवाल में निकलते ही निकलते हैं, क्योंकि अक्सर 40% ऑफ द रेशियोज के क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं अक्सर कैलकुलेशन के, 6-8 मार्क्स कैलकुलेशन के आएंगे, यानी 30-40% कैलकुलेशन के आते हैं, वो इतने इजी होते हैं, वो आपने लेने ही लेने, बचपन से रेशियोज निकालते हुए आ रहे हो, अगर 6 मार्क्स के लिए रेशियोज भी कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, तो बेटा डूब मरो पानी में। तो 6-8 मार्क फ्री होते हैं, बाकी 12 मार्क के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, जिसके लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं वो प्रैक्टिस जरूर करो। फिर उसके बाद मेरे बच्चे कुछ अदर एरियाज हैं, अदर एरियाज के ऊपर सिर्फ लास्ट में फोकस करना। अदर एरियाज बोले तो सर मिसाल के तौर पे आईएफआरएस 5 से पूरा एमटीक्यू निकलता है, पूरा एमटीक्यू निकलता है, आराम से निकलता है, लेकिन अब इसको इतना सर पे नहीं चढ़ाओ कि उस पर गेम हो जाए। क्यों नहीं चढ़ाओ भाई, इस वजह से नहीं चढ़ाओ मेरे बच्चे, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर वाले एरियाज हैं जिसको मैं अदर एरियाज में डालता हूं। IFRS 13 हो जाए, IFRS 5 हो जाए, या IAS 33 हो जाए, इनका ताल्लुक प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर से। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर वाली चीज सबसे आखिर में जाके इसलिए पढ़ा करो ताकि पहले पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कवर हो जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना आ जाए, फिर एंड में जाके देखो कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए, तो वो एंड में जाके देख लेना, ये हो जाएगा। इसमें 5% एफर्ट भी मैंने ज्यादा ही लिखी है, लेकिन 5% एफर्ट तुम्हारी लगेगी, लेकिन लास्ट में डालनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ना पीछे पड़ जाते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे, अब जाहिर सी बात है आप डिफरेंट आप एक स्टूडेंट है ना, तो आपका इतना जहन है, आप अपने जहन से ही सोचते हैं। प्रॉब्लम कहां होती है, जब आप अपने जहन को अपने ट्यूटर्स, कोई भी ट्यूटर हो, अपने ट्यूटर के जहन पे फोकियत दे देते हैं। तो जहां तक एग्जाम की प्लान की बात होती है ना, आपका ट्यूटर आपसे बहुत वेल वर्स्ड होता है। अच्छा, जिंदगी में आप अपने ट्यूटर से भी ज्यादा कामयाब हो सकते हैं,
इस पे कोई मैं ही नहीं कह रहा कि आपने मुझसे पढ़ा तो आप मुझसे आगे नहीं निकल सकते, आप मुझसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने जरूर चाहा तो इंशाल्लाह, आमीन आमीन आमीन, आप मुझसे बहुत बेहतर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, बस खुश हो गए। लेकिन फिलहाल एग्जाम परस्पेक्टिव में तुम्हें मेरी बात सुनना जरूरी है, है ना, अपने ट्यूटर की बात सुनना जरूरी है। तो अदर एरियाज है उनको अदर ही रखो, आखिर में जाके बात करेंगे। फिलहाल तुम्हारी मेजर एरियाज इसके ऊपर और इसके ऊपर होनी चाहिए। मैं तुम्हारी जगह होता ना तो ये चार पांच एरियाज पक्के करता और बोलता भाई कुछ हो या ना हो ये चार पांच एरियाज जो मैंने सर ने मुझे बताया ना ये भी कर लूँ ना, पेपर अपने हाथ में, पेपर अपने हाथ में, बाकी देखी जाएगी, डन। मेरे हिसाब से बच्चे ये प्लान आप लेके चलें। आपको जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो सारे के सारे लेक्चर जो है बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि आप इस काबिल हो, कि यानी इसी इसी मैनर के अंदर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए। आपके LMS के ऊपर सारे लेक्चर सीक्वेंस से प्रोवाइड किए गए हैं, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। मेरे कुछ कंपाइल्ड नोट्स होते हैं उनको आप रेफर कर सकते हैं। मैं फिर वही बोलूंगा, बहुत सारे बच्चे इस 30 डेज प्लान के अंदर गलती ये कर सकते हैं कि वो बात की खाल उतारने में लग जाएं। आप बात की खाल उतारते रहें, आप जो चाहे करते रहें, आपका पेपर तो नहीं निकलेगा, बात की खाल उतारते रहते हैं, सही ना। मुझे पता है आपके पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है आज, आज क्योंकि आप क्रैश स्टूडेंट है, आपके ऊपर मेरी एफर्ट अलग है बनिस्बत इसके कि रेगुलर स्टूडेंट के। रेगुलर स्टूडेंट तो हमारे साथ शुरू से चल रहा होता है ना, तो हम तो इसको ए टू जेड, बल्कि जेड के बाद भी अगर कुछ बचा होता है वो भी सिखा देते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, मतलब इधर उधर के सवाल उठा के भी करा देते हैं। आई कैप का सवाल करा दिया, ICW का सवाल करा दिया, सिमा का सवाल, ये हरकतें भी करते हैं रेगुलर स्टूडेंट के लिए। आप मेरे वो बच्चे हो जिसके लिए मेरा टारगेट ये है, मेरा टारगेट ये है कि आप मेरे साथ फोकस्ड चलो, और फोकस्ड चलने के लिए जरूरी यह है कि आप मेरे बच्चे बड़े बड़े तरीके से चलो मेरे साथ, जो मैं कह रहा हूं अल्लाह का नाम लेके भरोसा करके मेरे साथ चले चलो, इंशाल्लाह ताला सब कुछ बेहतर होगा, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.accionline.co के ऊपर, वहां से जाके आप बड़े आराम से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने जाएंगे तो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो मेरे बच्चे, और आप स्टूडेंट सपोर्ट को कनेक्ट करके अगर बैंक ट्रांसफर के थ्रू पे करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। मुझसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करना चाहते हो तो मेरा नंबर मैं ऐसे लिख देता हूं, व्हाट्सएप पे मुझसे कोऑर्डिनेट करिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे मुझसे कोऑर्डिनेट करने के बाद जो मसले मसाइल हो मुझसे आप लोग बड़े आराम से डिस्कस कर सकते हैं। वन ऑन वन ट्यूटर सपोर्ट है आपके पास, कोई TAVA सपोर्ट भी नहीं है, डायरेक्ट ट्यूटर सपोर्ट है आपके पास। जो होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हेल्प कर सकूं, राइट। अच्छा, हेल्प करते हुए बिल्कुल आखिर में जाते हुए अक्सर मैं ये बात कह देता हूं, कुछ बच्चों को बुरा भी लग जाता है लेकिन क्या कर सकते हैं, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। देखिए बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम ये अक्सर, मुझे कभी कभार बुरा भी लगता है ये बात कहते हुए लेकिन कहना पड़ता है ये बात, कि कभी कभार स्टूडेंट्स ना बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करते हैं। देखिए आप जब किसी भी ट्यूटर से कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपका ट्यूटर कितना भी हम्बल हो, कितना भी डाउन टू अर्थ हो, कितनी भी ह्यूमिलिटी उसके अंदर हो, लेकिन है आपसे सीनियर, सही है ना। मैं बेस भी लगाऊं ना तो मैं आपसे 12-13 साल सीनियर हूं, तो 12-13 साल जब एक डेकेड मोर सीनियर आपके सामने कोई होता है ना, तो उसके साथ आपने एक इंप्रेशन अपना ऐसा रखना होता है कि आपने उससे काम निकलवाना होता है, वो आपके लिए काम नहीं करेगा, तो आपने उससे काम निकलवाना होता है अपने लिए। तो यू हैव टू बी प्रोफेशनल। अक्सर आपने देखा है आप सोशल मीडिया के ऊपर भी, आप ट्यूटर्स खुल के बोलते हैं ये बात कि अक्सर स्टूडेंट्स वो जो एक तमीज और एक लहजे का वो एक पर्दा होता है ना, वो बिल्कुल हटा के अनवील करके आगे बढ़ जाते हैं। तो मिसाल के तौर पे अपने ट्यूटर सबके लिए बोल रहा हूँ, हाँ किसी को भी नहीं किया करो, अपने ट्यूटर्स को लंबे लंबे क्वेश्चन मार्क बना बना के भेजना, 2 मिनट हो जाए तो कहना सर अभी तक आपने रिप्लाई नहीं किया, आधा घंटा हो जाए तो आपने बोला सर आप तो हैं ही ऐसे रिप्लाई नहीं करते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्यूटर्स जो होते हैं ना वो ऑल्दो कि आपके साथ बड़ी सिंसियरिटी के साथ, क्योंकि हर ट्यूटर इस प्रोफेशन को सर्व करने के लिए, हर ट्यूटर मैं अपनी बात में सब लोग दयानतदारी से काम करते हैं, अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका एग्जाम निकल जाए, लेकिन बेटा होते आपसे सीनियर है। अच्छा मेरे केस में बात करोगे ना, तो मैं तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये भी मिसाल देता हूं कि बेटा कुछ भी कर लो, जो भी कर लो, आना तो मेरे पास ही है ना काम करने के लिए। यानी देखो ना, अब अल्टीमेटली फ्रटर्निटी तो छोटी सी है ना, वन वे और दी अदर आओगे तो मेरे पास ही काम करने के लिए। मेरे पास से मुराद या तो मेरे अंडर काम कर रहे होगे, या किसी ऐसे के अंडर काम कर रहे होगे जिसने मेरे अंडर काम किया हुआ होगा, या किसी ऐसे बॉस के साथ काम कर रहे होगे जिनके अंडर मैंने काम किया होगा, या किसी ताल्लुकात वाले के साथ काम कर रहे होगे। आज अपना इंप्रेशन ना गलत नहीं करो, खास तौर पे वो सारे ट्यूटर जो कि प्रोफेशनली काम करने वाले लोग हैं ना, कुछ तो ऐसे ट्यूटर्स हैं ना जो कि आप बोलते हैं कि भाई इनके साथ साथ हमारा है 3-4 साल का, फिर उसके बाद तो अपनी अपनी डगर पे लग जाएंगे।
हमारे साथ शायद आपका साथ रहेगा सारी जिंदगी भर का, तो फिर भी मैं बोलता हूँ कि ना वो एक एक जो रिस्पेक्ट का एक पर्दा होता है ना उसको बिल्कुल हटा के क्रॉस ना करो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया, मैं तो अपनी जिंदगी में मान गया हूँ। मैंने मेरे बड़े एक पुराने ट्यूटर थे, मैंने उनके से सीए की जब मैं पढ़ता था क्लासे ली थी, तो उन्होंने वो एक बात कहते थे यार कि अल्लाह के बंदे मैं अगर किसी 30 साल वाले इंसान के साथ बैठता हूँ ना, और मेरा अपना तजुर्बा मिसाल के तौर पर 10 साल का है, तो इसका मतलब 30 साल वाले से जब मैं साथ बैठता हूँ उनसे कोई चीज सीखता हूँ तो मेरा तजुर्बा 40 साल का हो जाता है। मिसाल के तौर पर आज तो आप नन्हे काके हो ना, आप मेरे साथ बैठते हो तो मेरा एक्सपीरियंस आपके अंदर एड ऑन हो जाना चाहिए। आपने मुझसे इंफॉर्मेशन, आपने मुझसे नॉलेज, आपने मुझसे हेल्प निकलवानी है, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप मुझसे हेल्प निकलवाएं, तो मेरा सारा एक्सपीरियंस आपको ट्रांसफर हो जाएगा। जब आप रियल लाइफ में पहुंचेंगे तो आपका डायरेक्ट एक्सपोजर शुदा होंगे, आप एक्सपोजर शुदा होंगे अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है ना मेरा बच्चा। तो बाकी आप जैसे ही काम कर लेंगे तो यू विल बी ज्वाइनिंग अ स्टडी ग्रुप विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, जिसके अंदर जहाँ पे फीडबैक चलते रहते हैं, हम वहीं पे बात करेंगे। विद दिस मेरे दोस्तों, मेरे हिसाब से आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी थी। अब आपने कुछ नहीं करना, बस आगे बढ़ना है। क्लियर है जी? टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।